2019 के बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के टीचिंग पोटेंशियल के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है इस सीरीज में, वीडियो में थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑडियो रेफर टू सीइंग, बहुत ज्यादा इजी है सीइंग, आईज, स्पेलिंग, नोज, टेस्टिंग, टंग, हियरिंग, ईयर, ऑडिटरी, ऑडियो, हम ऑडियो विजुअल एड भी कहते हैं ना, ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। जो टीचिंग के दौरान एक टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए, इजी करने के लिए, कंक्रीट करने के लिए, ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो रेगुलरली ऑडियो विजुअल एड के लिए यूज किए जाएंगे। इनके बेस पर ही ऑप्शन डाले जाते हैं और जनरली इनका आंसर ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मास मीडिया, एक वर्ड जिसको अंडरलाइन करने पर इसका मिल जाता है आंसर, वो है मास। मास मीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल पर कौन सा इनमें से मीडिया पहुंचता है? ब्लैकबोर्ड सिर्फ टीचर क्लास कुछ बच्चों तक सीमित है, बुक्स एक टाइम पर एक पर्सन के पास है, अगर एक टाइम पर बुक्स जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कवर नहीं करेगी, उन तक तो नहीं पहुंचेगी। टेप रिकॉर्डर, ये भी एक टाइम पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक नहीं पहुंचेगी। रेडियो, एक दैट इज वाई रेडियो और टेलीविजन जो है डिस्टेंस एजुकेशन ओपन लर्निंग में यूज किया जाता है, जैसे इग्नू के प्रोग्राम जो है टेलीविजन पर चैनल बने हुए हैं, एक ही वक्त पर वहां तक रेडियो एंड टेलीविजन पहुंच जाते हैं, जहां पर नॉर्मली एक टीचर का एक स्कूल का पहुंचना, एजुकेशन का पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, एजुकेशन तक नहीं पहुंच सकते, तो एजुकेशन का, टीचर का, स्कूल का फर्ज है कि वो बच्चों तक पहुंचे। तो आज जो मास मीडिया है, यहां पर है मास मीडिया ने, वो उस बात को वर्चुअली सच कर दिया। यूज ऑफ एवी एड्स इज मेड टू मेक क्लासरूम टीचिंग, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग कक्षा में शिक्षकों को डैश बनाने में किया जाता है। क्या करना है, टीचिंग का पर्पस क्या है? टीचिंग का मतलब है कि कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर जो टीच करने जा रहे हैं, उसको बहुत इजी कर देना कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के मुताबिक उनको नॉलेज हो जाए, समझ आ जाए और वो जिंदगी में अप्लाई कर सके। ये तीन बातें भी याद रखें। ऑडियो विजुअल एड का पर्पस क्या है कि टीचर अपने कंटेंट को ऑडियो विजुअल की हेल्प से चार्ट, मॉडल, जो एलसीडी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे ओएचपी कहते हैं, इनके जरिए अपने कंटेंट को, सब्जेक्ट मेंबर को, बच्चों को इतना इजी कर दे, इतना कंक्रीट कर दे, क्योंकि कंक्रीट मीन के ये ज्ञान इंद्रियों से वो देख सकता है, सुन सकता है ऑडियो विजुअल एड को, तो वो कंटेंट मेंबर उनको रिमेम्बर हो जाए, है ना, उसकी उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उनको वो अप्लाई कर सके। मिनिमम ये 3 लेवल्स, इन 2 लेवल्स को याद रखना है, लोअर लेवल स्किल्स कॉग्निटिव स्किल्स कहा जाता है, और ये 4 जो हैं इसको हॉर्स कहा जाता है, हॉर्स पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो टीचिंग एड का ये पर्पज है। वापस चलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स इज मेड टू मेक क्लासरूम टीचिंग सिंपल एंड इफेक्टिव, सबसे अच्छा वर्ड इसमें है, जो क्योंकि आपका टीचिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है, यही देखना है कि आप में से इफेक्टिव टीचर कौन बन सकता है। इट मीन टीचर फोकस्ड, जो टीचिंग फोकस्ड जो ऑप्शन होगी वो ज्यादा सही होने की संभावना है यहाँ पर, इफेक्टिव। और ये सिंपल भी ठीक है, इजी भी ठीक है, कंक्रीट भी ठीक है, ठीक है, ये राइट आंसर सीधा बन रहा है। और इसके उल्ट दूसरे जो डिस्ट्रेक्टर, डिस्ट्रेक्टर उसे कहते हैं जो रॉन्ग आंसर है। फर्स्ट है कि बी, उसको क्या करना है, ध्यान आकर्षण, ये गलत उसका लिखा हुआ है, ध्यान खिंचन डिस्ट्रेक्टिव होता है, ध्यान भंग करने के लिए, मेरे ख्याल में यहां पर गलत है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करना नहीं टीचिंग को, कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, यहाँ पर वो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है जो मैंने पहले बताया था कि लंबी जो वो है ऑप्शन है, लॉन्ग टेल है, वो सही हो सकती है, यहाँ पर लंबी वाली गलत है। इट मींस वो रूल आप 100% अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, जब रीजनिंग आपकी नहीं चलती तब वो रूल अप्लाई करना है। इट मींस आप 80% 90% वो रूल अप्लाई करते सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर एंड डिस्टेंस, फर्स्ट एंड
दृष्टि दोष रहित। बेस्ट आंसर ये मैक्सिमम राइट आंसर जो है ये हमारा जा रहा है सिंपल एंड इफेक्टिव। ए गुड टीचर इज वेरी हेल्पफुल टू मेक हिज स्टूडेंट फिजिकली स्ट्रांग। सिर्फ एक डायमेंशन को, एक डोमेन को, एक एरिया को डेवलप करना है। डोमेन्स कौन सी है? फिजिकल है, मेंटल है, या कॉग्निटिव भी बोल देते हैं इसको। फिर आ जाता है इफेक्टिव और इमोशनल और मॉरल है ना, एस्थेटिक, सोशल, ये डायमेंशंस है। सभी को डेवलप करना एक्चुअली एजुकेशन का एम है। यहां पर कितने दी हुई है मैक्सिमम उसको कवर करेंगे। मेक प्लेयर्स सिर्फ बनाना है नहीं, मैथ्स है और सब्जेक्ट है वो क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि हर एरिया में आपको स्ट्रांग बनाना है। मेंटली स्ट्रांग बनाना है, यस है तो है, लेकिन बड़ा आंसर कौन सा है? मेक हिज स्टूडेंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, ये राइट आंसर है। ये लॉन्ग स्टेम वाला भी के अनुसार भी ठीक बन गया है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, इन टीचिंग इफ नथिंग हैज बीन लर्न, नथिंग हैज बीन टॉट। शिक्षण में यदि कुछ भी नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सीधी सी बात है, टीचर कैसे बनना है? अगर आप अच्छे लर्नर हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप अच्छे लर्नर हो तो अच्छे टीचर बनने की संभावना है, अगर टीचिंग स्किल्स आप में डेवलप हो जाती है। तो राइट आंसर इज टॉट, पढ़ाया। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉलोड इन अवर स्कूल इज, याद रखने की बात है कि सिर्फ स्कूल ही एक ऐसी एजेंसी है जो फॉर्मल है। फॉर्मल मीन प्री डिटरमाइंड एम है स्कूल के, प्री डिसाइडेड करिकुलम है और फॉर्मल सिस्टम है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है? टाइम ऑफ लर्निंग, टाइम टेबल। ठीक है, इन फॉर्मल में कोई टाइम टेबल नहीं है। आप राह में चलते हुए, फिल्म देखते हुए, कुछ भी करते हुए ठीक लर्न कर सकते हो। नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि द मिड वे ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इज नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल में आधे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल के होंगे, इनफॉर्मल के होंगे। इट मीन्स फ्लेक्सिबल सिस्टम जो होगा वो ये होगा, इसमें करिकुलम भी होगा प्री डिटरमाइंड, लेकिन आपको टाइम फिक्स इतना ज्यादा रिजिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इग्नो के कोर्स, ओपन स्कूलिंग आप देखते हो, उसमें कोर्स जो है इग्नो में है, जो अगर 2 साल का कोर्स है ना, आपको 4 साल दिए जाते हैं। आप कभी भी किस सेमेस्टर में भी कौन सा एग्जाम इस बार नहीं दे पाए तो नेक्स्ट टाइम दे लीजिए, तो फ्लेक्सिबल है। दूसरी बात, जब ये फॉर्मल सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल स्कूल है, स्कूल है, फॉर्मल सिस्टम एंड होता है जब इसका, तभी नॉन फॉर्मल शुरू होता है। अगर मान लीजिए बच्चे ने यहां से, मान लीजिए 8th क्लास में बच्चे ने छोड़ दिया स्कूल, ठीक है, तो वो पढ़ना चाहता है, जहां अच्छा है, जहां जॉब की जरूरत है, तो वह 10th पास करे। नेचुरली वो अब क्या ओपन स्कूलिंग में जाएगा, नॉन फॉर्मल में। जहां भी स्कूल फॉर्मल सिस्टम खत्म होता है, जहां आप फॉर्मल सिस्टम से निकलते हो, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूलिंग आपकी हेल्प करती है। दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट है, मेजर रोल इन वैल्यू एजुकेशन इज प्लेड बाय स्कूल, होम, सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज। वैल्यू तो सभी ये एजेंसीज करती हैं। ये भी एक हिंट है कि ऑल ऑफ दीज मैक्सिमम राइट आंसर होने की संभावना होती है। अगर रीजनिंग आपकी नहीं अप्लाई होती तो आप ऑल ऑफ दीज को चूज कर सकते। ये पूछा जाए कि सबसे पहली जो है सोशल एजेंसी कौन सी है जो वैल्यूज इंकल्केट करती है, तो पहली घर है। ठीक, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर इरेडिकेशन, इरेडिकेटिंग सोशल ईवल्स, यू एज ए टीचर विल क्या करोगे? सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करोगे? विद्यार्थियों को इतने, विद्यार्थियों को इनके प्रति शिक्षा देंगे? यस, विद्यार्थियों को देंगे, माता पिता और विद्यार्थियों को देंगे, बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिता ही ड्रिंक करता है, सिगरेट पीते हैं, है ना, उनकी आदत गलत है, जब उनमें वैल्यूज की कमी है, मॉरल की, सोशल की, फिजिकल की, मान लीजिए घर में सफाई नहीं रखी जाती, तो क्लीनिनेस इज ए वैल्यू लेकिन घर में नहीं है, तो इट मीन्स आप माता को, पिता को, विद्यार्थियों सभी को गाइड करोगे। मेरे मुताबिक अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं तो स्कूल में जो बच्चों पर इतना जोर दिया जाता है उसके इक्वली या उससे ज्यादा जो जोर है ना
पेरेंटिंग पर, पेरेंट्स को टीच करना है कि पालना कैसे करनी। राजनीतिक नेताओं को इन पर भाषण देने के लिए कहोगे, सबसे बड़ा झूठ, ना राजनीतिक नेता का भाषण कोई इतना सच्चा होता है, इफेक्टिव होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका इफेक्टिव होता है, और वो भी बहुत कितने लोगों पर होता है, ये ऑप्शन तो बनती नहीं है। प्रधानाचार्य को भाषण देने के लिए कहोगे, भाषण से कभी बड़ा चेंज नहीं आता। जिनके भाषण से चेंज आता है वो बहुत बड़े लीडर हुए। तो क्लासरूम में या यहाँ पर भाषण को, वन वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को सबसे कम वेटेज दी जाती है आप टीचिंग पोटेंशियल में, इसको याद रखना है। तो हमारी बेस्ट ये है माता पिता और विद्यार्थियों के प्रति। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज कंसर्न ऑफ स्टेट सेंटर बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। देखिए ये कंकरेंट लिस्ट वाला वही क्वेश्चन है, क्योंकि एजुकेशन पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हो। दैट इज व्हाई राइट आंसर इज दिस। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज लोकेटेड एट, यहाँ पर कुछ भी स्पेल है, इसका राइट आंसर मैसूर है। MHRD स्टैंड्स फॉर, देखिए पहले 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो वो आई है, तब MHRD का नाम भी चेंज हो गया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ठीक है, तो पहली जब पॉलिसी आई थी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसको ह्यूमन रिसोर्स कर दिया गया था, अब ह्यूमन रिसोर्स से फिर एजुकेशन कर दिया गया है। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। लर्नर्स क्या है, रिसोर्सेज है। टीचर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। प्रिंसिपल क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, टीचर्स को भी, लर्नर्स को भी, स्टाफ को भी, सभी को डेवलप करना है, सिर्फ एजुकेशन है, सिर्फ स्टूडेंट्स को डेवलप नहीं करना। तो बाकी के आंसर गलत है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज लोकेटेड एट, क्योंकि मोस्टली जो नेशनल बॉडीज हैं वो न्यू दिल्ली में ही है, ये इजी हिंट है आपके लिए। एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड स्कूल अथॉरिटीज शुड बी, कैसा होना चाहिए आपका, आप टीचर बनने जा रहे हो ना, तो क्रिटिकल होना चाहिए। क्रिटिकल दो तरह का होता है, क्रिटिकल में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आलोचना ही करते हो, नुक्स ही निकालते हो, फिर वो बुरी बात है। बीइंग आपके रिलेशन, आप सब बिगड़ता जाएगा अगर आप अपने रिलेशंस में भी नेगेटिव देखते हो, जिंदगी में ही नेगेटिव देखते हो तो जिंदगी बिगड़ने जाएगी। पॉजिटिव पर फोकस करना है, ये आंसर क्रिटिकल यहाँ पर गलत है। दूसरा है हार्श, देखिए ये भी नेगेटिव जा रहा है, कठोर हो जाना है, नहीं, जिंदगी कठोर हो जाए आपके साथ तो क्या आप चाहते हो कि सभी आपके साथ कठोर हो जाए, नहीं, दैट इज व्हाई आप नहीं होंगे। अच्छा, इनडिफरेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं रखोगे, यहाँ पर निरपक्ष है लिखा, निरपक्ष का मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है, वो है किसी में इंटरेस्ट नहीं लेना, है ना, कॉर्डिनल ये बनता है। ये अगर मीनिंग में मुझे मान लीजिए समझ नहीं आया तो मैं वो पंजाबी में देख रहा हूँ, मित्रतापूर्ण, यस ये पॉजिटिव है। अच्छा, मैत्रीपूर्ण, यस पॉजिटिव है, तो मैं इसको राइट आंसर चुनूंगा, कॉर्डिनल। नेक्स्ट इज ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इम्प्लाइज, क्या मतलब है, अभी बता के आया हूँ पीछे के सभी डायमेंशंस का, ये सिर्फ होम और स्कूल का है। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड है तो यहाँ होम और स्कूल बात ही नहीं बनी, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ही गलत है। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी, सिर्फ बॉडी को ही करना है, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ये देखिए ज्यादा डायमेंशन ले लिया, स्पिरिचुअल भी ले ली, मेंटल भी ले ली और बॉडी भी ले ली। तो ये महात्मा गांधी की कोटेशन जो डेफिनेशन है उसमें से दिया गया है, अगर ऐसे वर्ड तीन आते हैं तो ये महात्मा गांधी की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन होगी, ये दिस इज राइट आंसर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट करना है, लेकिन सिर्फ इतना करना जो एम नहीं है। गुड टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, देखिए अगर आपको क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, फिर देखना है कि इस ऑप्शन को आप पहले डिलीट कर सकते हो। अच्छा, ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, डिवोशन हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो है, लेकिन अच्छी क्वालिफिकेशन सब कुछ नहीं कर सकती, ये वीक लग रहा है। गुड लीडरशिप ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, अच्छा गुड टीचिंग है, टीचिंग काम हेड का नहीं है, टीचर का है मेन। ठीक है, हेड भी टीच कर सकता है, तो ये भी ऑप्शन वीक है, इसको निग्लेक्ट करें, ये भी वीक है। गुड कनेक्शंस, संबंध, रिलेशंस ऑफ टीचर, यस ये चाहिए। अब ये बची है मेरे पास डिवोशन और कनेक्शन। अब मैंने ऐसा सोचा है कि अगर गुड कनेक्शन है, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, तो मेरी टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग बेटर होगी, जहां मेरी डिवोशन है तो डिवोशन टीचिंग प्रोफेशन के प्रति अच्छी है
तो मेरे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, मेरी टीचिंग भी अच्छी हो जाएगी, मेरे जो बाकी एम जो अचीव है मैं करना चाहता हूँ क्लासरूम या स्कूल में वो भी अचीव हो जाएंगे। यस बेसिकली डिवोशन बिकॉज एक अफेक्टिव डोमेन पर ये वर्ड काम कर रहा है, इमोशनल डोमेन पर, इमोशनल डोमेन पर। इमोशनल डोमेन पर कौन से और है जिसका ये मतलब बनता है कि इसको चूज करना चाहिए, मोटिवेशन, इसका मतलब मोटिवेशन बन रहा है। और शब्द इसके लिए है रेडीनेस। इसका थॉर्नडाइक का फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कौन होता है, ई एल थॉर्नडाइक, ई एल थॉर्नडाइक, ओके, ई एल थॉर्नडाइक। आप अगर थ्योरी भी इनकी लर्निंग की पढ़ोगे, उनका फर्स्ट प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मीन कि लर्न करने के लिए बच्चे को पहले रेडी करो, अगर रेडी है तो वो अच्छा लर्न कर पाएगा, ठीक है। अगर रेडी ही नहीं हो रहा, आप जबरदस्ती उसको टीच कर रहे हो, तो वो लर्न नहीं कर पाएगा। तो इस रेडीनेस का मतलब मोटिवेशन ही है। मोटिवेशन को बढ़ा करके डिवोशन, यहाँ पर डिवोशन श्रद्धा, श्रद्धा बहुत ज्यादा पूर्ण समर्पण हो जाता है उसमें। तो हम राइट आंसर देखेंगे इसको, डिवोशन वाले को करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ एज ए टीचर यू विल रेज द स्टैंडर्ड ऑफ वीक स्टूडेंट्स, ठीक, बाय इंटीमेटिंग पेरेंट्स। देखिए आपका टीचिंग, टीचर पोटेंशियल या टीचिंग पोटेंशियल का ये वो पेपर है आपका। तो टीचर अगर दूसरों को दे रहा है, भाई आप कर दो, भाई आप कर दो, देखो भाई इसने ये कर दिया, तो ऐसी बात नहीं ना बनेगी। तो इट मीन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर छोड़ रहे हो ना, ये दूसरों पर छोड़ रहे हो, ये ऑप्शन नहीं ठीक हो सकती। विद दी हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट की हाँ हेल्प ले सकते हो, हेल्प इनकी 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 सभी की ले सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये ऑप्शन ठीक है, न्यूट्रल है, स्पेशल अटेंशन दोगे आप उसको, एक्स्ट्रा टाइम दोगे उसको, एक्स्ट्रा लेसन प्लानिंग उसके लिए स्पेशल करोगे, उसके कंटेंट को इजी करने के लिए ऑडियो विजुअल एड का प्रयोग करोगे, रिसर्च पढ़ के उनके लिए जो सूटेबल है उनकी प्रॉब्लम के मुताबिक, जैसे तारे जमीन पर ईशान के लिए आमिर खान साहब डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ होगा। विच इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व स्कूल प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ टीचर, हाँ ये क्वेश्चन यूजीसी का है। द बेस्ट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, सर्वे में आप मान लीजिए पंजाब का सर्वे कर रहे हो, आप 100 स्कूल्स का डाटा कलेक्ट करते हो, 20 स्कूल्स का करते हो या 1000 स्कूल्स का करते हो, आपकी प्रॉब्लम जो है अपने स्कूल की जो है उसको सॉल्व करने के लिए सभी को स्टडी करोगे, ये गलत बात होगी ना। तो हिस्टोरिकल मेथड, आप हिस्ट्री स्टडी करोगे भी ऐसी प्रॉब्लम, हिस्ट्री में प्रॉब्लम शायद कुछ और थी, आज वर्चुअल टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज हो चुका है, कंप्यूटर आईसीटी सब कुछ आ चुका है, तो आज प्रॉब्लम डिफरेंट है, कोविड आज की प्रॉब्लम है ना, तो ये भी नहीं मेथड होगा, ये भी नहीं मेथड होगा। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव भी जो सर्वे का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप प्रेजेंट स्टेटस को स्टडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील क्वालिटी कैसी है, तो आप इसको स्टडी करते हो, तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। एक्शन सर्च में क्या है कि जो आपका स्कूल है, स्कूल में जो प्रॉब्लम है और उस पर आप डाटा कलेक्ट करते हो और एनालाइज करते हो, और एनालिसिस में के बाद एक कंक्लूजन निकालते हो कि राइट सॉल्यूशन मेरे स्कूल की प्रॉब्लम के लिए ये वाला है। दैट इज व्हाई लोकलाइज होता है, आप ही डाटा कलेक्ट करते हो, मतलब कि नॉलेज को, नॉलेज प्रोड्यूस कोई और कर रहा है, और कोई कर रहा है, और कोई कर रहा है, और कंज्यूम आप कर रहे हो, लेकिन एक्शन रिसर्च इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर स्कूल और यूनिवर्सिटी और योर लोकलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व। यदि कोई छात्र कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर अध्यापक को नहीं आता तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी, नेगेटिव ऑप्शन को नहीं चुनना, पनिशमेंट नहीं चुननी, इग्नोर नहीं करना, आपकी जिम्मेवारी है चाइल्ड की मॉडिफिकेशन की। ट्राई टू फाइंड द आंसर, यस आप आंसर को, ये देखा थोड़ी सी लंबी होगी, ये इतनी है, ये लॉन्ग होगी, लॉन्ग टेल इसको बोलते हैं, लॉन्ग टेल वाला राइट आंसर बन गया। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन बच्चे को झिड़कते हो, पनिश, ये देखो पनिश करना झिड़कना सेम आ गया ना, इट मींस ये दोनों ही सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं ना, जब सेम मीनिंग दो टाइम ऑप्शन कर रही हैं तो वो राइट आंसर नहीं होता कभी, ये एक इंडिकेशन है। जब अच्छा बच्चे को अपेक्षा आप इग्नोर कर रहे हो, इट मींस ये भी लगभग एक एक तरह से पनिशमेंट तो नहीं है, ये न्यूट्रल में जा रहा है, जीरो जीरो में जा रहा है, कोई एफर्ट नहीं है,
यहाँ पर एफर्ट भी है और पॉजिटिव भी है, दैट इज द राइट आंसर इज। नेक्स्ट है मैक्सिमम क्लासरूम प्रॉब्लम आर ड्यू टू, किसके कारण है? टीचर पोटेंशियल, टीचिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन है, नेचुरली है हम टीचिंग पर ही फोकस करेंगे, हम नहीं कहेंगे एग्जाम के कारण है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारण है, करिकुलम के कारण है, क्या क्यों? क्योंकि यहां पर हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, करिकुलम नहीं अच्छा जी, टेक्स्ट बुक नहीं अच्छी जी, एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अच्छा। बीइंग ए टीचर आपने अपनी टीचिंग को देखना है, मेरी टीचिंग अगर अच्छी होगी तो जो एवरेज या थोड़ा वीक करिकुलम है उसमें से भी अच्छी आउटपुट आ जाएगी, ठीक। तो आपकी टीचिंग, दिस इज द राइट आंसर। ए टीचर मोस्ट प्रिकॉशियस आइटम इज, देखो मैं भी, मेरी इंग्लिश भी वीक है इसलिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा इसको। अध्यापक को सबसे अधिक मूल्यवान मध्य विषय है क्या? प्राइड, पे, जॉब। देखिए सबसे वीक इसमें है पे, ठीक है, हालांकि रियलिटी में यही मुद्दा बना हुआ है कि इतने लंबे समय से कई टीचर्स को, अच्छा प्राइवेटाइजेशन में तो 10-10 महीने कई कॉलेजेस या स्कूल्स में सैलरी नहीं मिल रही, तो क्या जस्टिस है ये? नहीं, पे यही ये लेकिन आइडियल क्वेश्चन है, आपने इसका ये आंसर नहीं देना, पे रियलिटी में पे भी चाहिए, पे भी चाहिए, लेकिन पे मान लो मिल रही है तो जॉब, जॉब सिक्योरिटी नहीं, प्राइड में मेरा जो मान सत्कार है नहीं, स्टूडेंट्स की। टीचर का सबसे ज्यादा लेन देन किससे है? स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट से। यहाँ भी देखिए लॉन्ग टेल बन गया, ये बड़ी बन रही है स्टूडेंट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडर गार्टन, गार्टन से याद रखना है गार्डन। प्रॉब्लम थे जिन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट है वो एक प्लांट की तरह है, क्वेश्चन बनता है। दूसरा, जो टीचर है वो गार्डनर की तरह है, एक माली की तरह है। और जो ये स्कूल है, स्कूल जो है किंडर का, बच्चों का गार्डन है, ये गार्डन हो गया, ये प्लांट हो गया, ये माली हो गया, ये वहां से टर्म है किंडर गार्डन। अच्छा, ये किंडर गार्डन की जब ये जो टर्म है के एंड गार्टन मीन जी, के जी शब्द से आप, है ना, ये भी फुल फॉर्म पीछी पूछी जा सकती है के जी, आपने इंटरनेट पर पढ़ा होगा के जी टू 12, इट मीन्स के जी से किंडर गार्टन से लेके 12वीं कक्षा तक, ये राइट आंसर इसका फ्रॉबल है। हाँ, मोंटेसरी की, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन बहुत रही है, लेकिन इनकी कंक्रीट और साइंटिफिक और सेंसरी अप्रोच ज्यादा थी, इनकी थोड़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच थी। दोनों की कंट्रीब्यूशन प्राइमरी एजुकेशन में, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में सॉरी, वो बहुत ज्यादा रही है। मोंटेसरी स्कूल वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये शब्द यूज किया था, इटालियन वर्ड है, यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं, ये देख लीजिए कहां गया। किंडरगार्टन टर्म जो है यूज की गई है फ्रॉबल की फिलोसफी में, लेकिन कासा देई बामबिनी ये शब्द यूज किया गया है मोंटेसरी के द्वारा, किसके लिए? स्कूल के लिए, मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? उसका था गार्डन, माली और प्लांट, इसका मतलब है चिल्ड्रंस हाउस, ये रहा इसका मीनिंग, चिल्ड्रंस हाउस, ये आप प्रोनाउंस खुद कर लीजिए। तो ये किस एज के बच्चों के लिए है? प्री स्कूल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर। याद रखिए कि स्कूलिंग हमारी 6 ईयर से शुरू होती है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, 6 ईयर से फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास से 3 साल जो 1, 2, 3 लगते हैं वो ये किंडरगार्टन के हैं, केजी, है ना, केजी। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे कि फाउंडेशनल जो एजुकेशन है उसमें इनको अब शामिल किया गया है, 3 ईयर से अब स्टार्ट हो रही है हमारी एजुकेशन, प्री स्कूलिंग जो है उसमें शामिल कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लर्न वेरी वेल बाय लिसनिंग, सुन के जो बच्चे सबसे ज्यादा बोर होते हैं। याद रखना है कि जो बच्चों का लर्निंग स्टाइल होता है, बच्चों का, ये जनरलाइजेशन है, कंक्लूजन है, बच्चों का लर्निंग स्टाइल किनस्थेटिक होता है, किनस्थेटिक, किनस्थेटिक मीन डूइंग से, वो परफॉर्मेंस से, एक्शन से ज्यादा सीखते हैं, ठीक।
यहाँ पर लिसनिंग से हायर एजुकेशन में लिसनिंग ज्यादा चलती है। हाँ सीइंग सेकंड नंबर पर हो सकता है लेकिन लिसनिंग तो यहाँ नहीं आएगी, सीइंग थोड़ी आ जाएगी लेकिन उससे अच्छा है सीइंग एंड लिसनिंग दोनों ठीक है। ये रैंक फोर्थ आ गया, ये रैंक थर्ड आ गया, ये रैंक टू आ गया और बाय सीइंग लिसनिंग एंड डूइंग तीनों लर्निंग स्टाइल वाक बोलते हैं इसको विजुअल ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल्स। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये थे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो, कोई कंसेप्ट समझना हो या आपके कुछ डाउट्स हो कृपया आप उसमें जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप ये भी मुझे सजेस्ट करें कि क्या मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करता, क्या मैं कम एक्सप्लेन तो नहीं करता, क्या मैं किसी क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा तो नहीं बोलता, वो मुझे नेगेटिव फीडबैक मुझे जरूर दें ताकि मैं आपकी नीड के मुताबिक, क्योंकि मुझे जो लगता होगा मैं ज्यादा टीच करता हूंगा तो छोटी छोटी वीडियो थे दैट इज वाई ये लंबी वीडियो है थोड़ी सी, लेकिन सभी क्वेश्चन एक ही में सॉल्व किए हैं। आप फीडबैक जरूर दीजिए, इंतजार करूंगा। थैंक।